आज आम बनवा गरमा गरम पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली कोबी जोटा कि ऊपर हल्का हल्का क्रंची लगे और भितर पूरा सॉफ्ट एबी तो कोबीर सीजन भी आसीगला बहुत सहजरे बजार में मिल भी जाऊँगी कोबीर ये टेस्टी रेसीपी को निश्चित बनवा आज चिल्ली कोबी को बनला बेले मुं मान सहित सब प्रकार परफेक्ट टिप्स और सिक्रेट ट्रिक्स सेयार करी से वीडियो को पूरा देखु और गरम गरम चिल्ली कोबीर मजा घरे ही उठातु जदि रोसे भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखे जो बेल आइकन अच्छे भी क्लिक करेंगे तो चलत बनवा स्टार्ट करवा। नमस्कार आनंद भोजन चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस बहुत ही टेस्टी चिल्ली कोबी बनवाई सब प्रथम आम नवा फुलकोबी एबे तो सीजन भी अच्छी आ बजार में बहुत क्वांटिटी मिलवा स्टार्ट भी होगा तो मुझे चिल्ली कोबी गोटे बड़ साइज़र कोबी नहीं ग्राम रे कहले पखापाखि 500 ग्राम हम ये देखी पार्थे फुलकोबी को मुझे छोट छोट पीस काटिकी नहीं ध्यान रखिए चिल्ली कोबी को जब भी काटे बेस बड़ बड़ पीस काटे मीडियम साइज़र काटे और प्रत्येक कोबीर पीस को गोटे साइज़र काटा चेष्टा करेंगे ताकि चिल्ली देखा को भल लगे तो ये मुझे कोबी को काटिकी भलसे धोकी रखी एवं आम कोबी प्लेट को टिके साइड रखा आई गोटे बैटर बनवा से मुझे गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल नहीं बाउल रे देवी 4 चम्मच मैदा 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर बदल रे आपण आरारूट भी नहीं पारे किंतु ध्यान रखिए मैदा और कॉर्नफ्लोर रो क्वांटिटी समान रहा सहित एवं पकेबा आधा चम्मच गोलमरीच गुंड आधा चम्मच काश्मीरी लंगा गुंड बदल रे आपण फूड कलर भी यूज करेंगे ता सहित स्वाद अनुसार लुण आधा छोट चम्मच अदा रसुण बटा एवं अल्प अल्प पा देखी आर गोटे सेमी थीन बैटर बनवा ना बेस मोटा ना बेस पतला से एका सहित पा न देकी अल्प अल्प दे कि बैटर को गोल ये देखी पार्थे बैटर को मुझे बहुत भलसे गोल रेडी आर कनसीस्टेन्सी देखूँ पूरा परफेक्ट अच्छी मुझे चामच में पकईकि देखी एवं कौन करना जो कोबीर प्लेट को रखी थे से सब आटर में पकईदा आपको परिष्कार हाथ में भलसे गोल ताकि प्रत्येक कोबी बैटर में भलसे कोट हाँ दरकार बहुत जन कौन करती कोबी को गरम पाने हल्का बांफ देलापर ये प्रोसेस को करती मुझे ये प्रोसेस को करवा पूरा भूल तो नुहे किमी कले कौन हुए ना कोबी को छाणी चिल्ली बनला कोबी से क्रंच न था कोबी भितर बेसी नरम लगे जहाद्वारा चिल्ली से टेस्ट आसेनी मुझ जो प्रोसेस रे देखुची थे बनईकी देखिए पूरा होटेल पर टेस्ट आसव कथा कथा देखो कोबी ये बैटर सहित बहुत भल से कोट ही एवं चलत आपको तेल में छाणवा से देखो मुझ गैस अन करी तेल कड़े को गरम हाँ रखीदी तेल ये बहुत भल से गरम होगा एवं आम गोटे गोटे पीस कोबी को लेकिन तेल में पकेबा आपको मीडियम फ्लेम छाणवा ध्यान रखिए कोबी को छाणला बेल अल्प तेल में बेसी कोबी पकईबेनि कड़े और तेल को देखिकी कोबी को पकेबे कोबी पूरा डुबिला भाया तेल छाणे ता छड़ा प्रथम जितेबाला कोबी को पकेबे पकेला सांगे सांग चामच रे उल्टो पल्टो करें गोटे साइड को देढ़ मिनिट पर छाणी होगा देवे तापर चामच एपट सेपट करके पूरा गोल्डन कलर आसला पर्यटन छाणे ये देखो गोटे भारी कोबी छाणी ही जाइए आठ बेस कड़ा कि छाणबे एवं आम आपको गोटे प्लेट को बाहर करदे सेम प्रोसेस रे बाकी सब कोबी को छाणीद रोसई को आगे ना आगु आपण मानक बहुत बहुत अनुरोध मो रोसे आपण मानते लगुच मत कमेंट करूँ ता सहित भिड को गोटे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करूँ आपण गोटे लाइक आ सब्सक्राइब मत नू रोसे बनबारे बहुत मोटेट ये देखूँ सब कोबी को मुझे छाणिकी प्लेट रे रखी देती एवं छणा कोबी को आम 5-7 मिनट रेस्ट रखा तापर या डबल फ्राए करवा ये स्टेप को निश्चित करेंगे जहाद्वारा कोबी ये पूरा क्रंची हे आर प्रपर सीझे जमीक मुझे आगुरी कही थी यही 7 मिनट भितर चलांतु कोबी चिल्ली गोटे मिक्स सॉस को रेडी करदे ताकि आमको पर बनवा को बेसी सहज हम से देखो मुझे गोटे छोट बाउल नहीं प्रथम देवी 2 चम्मच सोया सॉस 4 चम्मच टोमाटो सॉस ध्यान रखिए जीक सोया सॉस ने डबल टोमाटो सॉस ने सहित 2 चम्मच रेड चिली सॉस आपण आ जगह ग्रीन चिली सॉस भी नहीं पारे सहित आधा चम्मच विनेगर विनेगर क्वांटिटी बहुत कम पकेबे सहित आधा चम्मच गुंड चीनी आपण आ जगह गोटा चीनी पकई पारे एवं सब प्रकार सॉस को चम्मच रे भलसे गोलईद गोलला रखा कहीं आम आपको पर यूज करवा चलो जो कोबी को आम रखी थे डबल फ्राए करवा
सेतिपई देखंतु मु तेल को हाई फ्लेम रे भलो से गरम कर दीची जेमिति देखिबे तेल पूरा भलो से गरम हे गलानी एबे आगुरु छाणी के रखीतिबा कोबी को एतिरे पकेई दबा पकेला परे आकु कंटीन्यूअस चम्मच रे गोटे मिनिट पई एपट सेपट करकी छाणीबा आ संगे संग तेल रु बाहर कर दबा ताट बेसी छाणीबेनी ध्यान रखिबे सेकंड थरो छाणीला बेले गोटे मिनिट रु बेसी समय छाणीबेनी नहले कोबी रो टेस्ट खराब हे जिवो एठी देखंतु सेकंड थरे भी कोबी बहुत भलो से छाणी जेची एबे आकु पोणी थरे प्लेट रु बाहर कर दबा एबे चालंतु कोबी चिल्ली पई फटाफट सॉस बनेबा सेतिपई देखंतु मु आउ गोटे फ्लेम रे गोटे बड़ा फ्राई पैन रखी दीची ताकि चिल्ली बनेबा को इजी हबो प्रथमे पैन रे देबी दुई बड़ा चम्मच रिफाइन तेल तेल को पूरा हाई फ्लेम रे गरम करबा तापर एतरे पकेबा फाड़े छोटे छोटे की काटिक रखिथिबा प्याज ता सहित दुई बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदा दुई बड़ा चम्मच ग्रेटेड रसुण आ दुई रु तीन टा कटा कंचा लंका ए सब नहीं कि तेल रे पके दबा आ को 30 सेकंड पई तेल रे फ्राई करनबा तापर एतरे पकेबा दुई रु तीन चम्मच बड़िया छोटे छोटे पीस रे काटिक रखिथिबा कैप्सिकम कैप्सिकम को पकेला परे आकु भी हाई फ्लेम रे प्याज सहित गोटे मिनिट पई भाजी नबा ध्यान रखिबे ए सब को ओवर कुक करिवेनी एबे एतरे संगे संगे आमे आगुरु जो सॉस को रेडी करथिले ताकु आणिक भी एतरे पके दबा पकेला परे आकु 30 सेकंड पई भल्ला से गोळे दबा तापर एतरे अल्प पानी दबा पानी को सॉस सहित पकेला परे गोटे फुटा आसला पर्यंत अपेक्षा करिबा ता भितरे आमे चिली को बाइंडिंग दबा पई गोटे कॉर्नफ्लोर रो स्लरी बनेबा सेतिपई मु एठी गोटे गिना रे गोटे छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर नीची एतिरे अल्प टिके पानी देकी आकु चम्मच रे भल्ला से गोळे दबा आउ ए स्लरी को नीकी सॉस रे पके दबा ता सहित स्वाद अनुसार अल्प लुण पकेबा ध्यान रखिबे जेतिक भी सॉस यूज करले ए सब रे लुण अछि सेतिबे लुण रो क्वांटिटी कम पकेबे लुण पकेला परे आकु सॉस सहित भल्ला से गोळे दबा जेहेतु एतिरे कॉर्नफ्लोर पडिची सेतिबे सॉस संगे संग ठीक हबा स्टार्ट हबो एई स्टेज रे आमे फ्राई करके रखीतिबा छणा कोबी को आणिके एतिरे पके दबा ता सहित एतिरे पकेबा आधा चम्मच गोलमरीच गुंड आधा चम्मच गरम मसला एतिरे ऑप्शनल किंतु पके के देखिबे गोटे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो ता सहित लास्ट रे पकेबा किछि धनिया पत्र एबे सब को हाई फ्लेम रे सॉस सहित भलो से टॉस कर दबा ब गोळे दबा एबे नियंतु रेडी हे गला हमरो पूरा होटल स्टाइल डिलीशियस कोबी चिली थरे ई प्रोसेस रे निश्चित बनांतु आ खाई के केमिति लागला मते कमेंट करके जणांतु ता सहित वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आज पई एतिकी रहूची धन्यवाद।